सो है गाइस, अगर आपको फ्री में आरडीपी एक्टिवेट करना है तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे देख सकते हो चार प्लान मिले हुए जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें ना ही कोई वीजा कार्ड रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड। तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, आपको फ्री में आरडीपी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, या फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हो। देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे आपके सामने लाइव है। अगर आप यहाँ पे सर्च करके आओगे तो इंटरफेस किस प्रकार का होगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया ड्यू टू इनवैलिड एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया है, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि फ्री में किस प्रकार से किया जा सकता है आरडीपी एक्टिवेट। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा इस वेबसाइट में आ जाने के बाद जो आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा है। उसके बाद आपको गेट फ्री नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे आप गेट फ्री नाउ पे क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो इंटरनेट स्पीड कुछ इस प्रकार से चलने वाला है, इंटरफेस आ चुका है। उसके बाद हमको यहाँ पर गेट फ्री नाउ पे क्लिक कर देंगे सिंपली। जैसे हम गेट फ्री नाउ पे क्लिक करेंगे गाइस, हमारे सामने कुछ क्लिक टू प्रोसेस टू पेज पे क्लिक कर देना होगा सिंपली। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने लोडिंग होकर आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको कौन सा जीबी रैम चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई सा भी रैम चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम सिंपली ऑर्डर नाउ पे कोई भी से चूज़ कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर ही चूज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे कोई रैम वगैरह नहीं देख रहे हैं बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हमको कोई वो नहीं करना है, ठीक है। अब जिसको रैम कितने मिलने वाले हैं, यहाँ पे MB का है, मतलब 4000 MB, मतलब 4 GB का है ये, ठीक है, 4 GB का समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पे देख सकते हो कितना GB का हमको इंटरनेट स्पीड मिलने वाला है, सारा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सिंपली हम यहाँ पे सारा कुछ करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट कार्ड वगैरह कोई का रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, चेकआउट नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम चेकआउट नाउ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आएगा। हमको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर वगैरह आप कोई सा भी दे देना, बट ईमेल आईडी आपको ओरिजिनल होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारा कुछ रिक्वायरमेंट जो भी था हमने फिल कर लिया है। मैंने लिया है यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे एड्रेस लिया है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर फेक वगैरह भरना चाहते हो तो आपको यहाँ पे faxi.com पे आके आप सिंपली यहाँ से कोई भी एड्रेस भर सकते हो या फिल कर सकते हो। मैंने यही से उठा के सिंपली यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। देन ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे टिक मार के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंप्लीट ऑर्डर। जैसे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे सेव कर सकते हो, अगर सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो यह कर लेना। सिंपली आपको मेल बस ओरिजिनल रखना है, बाकी सारा कुछ आप जैसा चाहे वैसा भर सकते हो। लेकिन इसको प्रोसेस हो जाने देते हैं पहले कम्प्लीटली। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कि सबमिट हो चुका है एंड यहाँ पर जो कि मेल पे कोई कंफर्मेशन ईमेल गया होगा एंड यहाँ पे कंटिन्यू टू क्राइटेरिया पे क्लिक कर सकते हैं। देन सबसे पहले हमको यहाँ पे मेल चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेल पे चले गए, यानी रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा एंड देखने वाले हैं कि हमें मेल पे कुछ आया है कि नहीं। एक बार मेल थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार मेल एक्यूरेट डालना ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी परेशानी हो तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है। मेल पे भी तो नहीं आया हुआ है, यहाँ हम सिंपली कंटिन्यू क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं। एंड गाइस, हम देख सकते हैं हमारा जो कि सर्विस यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। एंड देख सकते हो जो कि हमारा सर्विस यहाँ पे एक्टिव हो चुका है एंड 1 सर्विस हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमने थोड़ी देर वेट किया एंड हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, चूँकि हमारा एक्टिव हो चुका है। अब सिंपली हम सिंपली इसी पे क्लिक करते हैं एंड देख सकते हो जो कि हमारा एक्टिव हो चुका है। हमने नाम वगैरह जो भी फिलिंग किया था यहाँ पे देख सकते हो 4 दिसंबर का है, जो कि हम आज का ही है। एंड हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हो नीचे में हमारा जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। प्लीज़ आप लोग यहाँ पे ना लॉग इन करके मत देखना, बिकॉज ये मेरा RDP है, आप लोग खुद से क्रिएट कर लेना, ठीक है, ये कोशिश भी मत करना। एंड इसको लॉग इन करके सबसे पहले देखते हैं, लॉग इन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाने वाला। तो सबसे पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे हम लॉग इन करने के लिए यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्च कर लेते हैं सबसे पहले। तो रिमोट डेस्कटॉप यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है एंड यहाँ पे हम लोग ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सबसे पहले हमारा जो कि IP ये रहा, तो हम सिंपली IP को कॉपी करते हैं एंड हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देन हमारा जो कि कनेक्ट पे क्लिक करते हैं सिंपली एंड देखते हैं कनेक्ट होता है या नहीं, इधर वगैरह बताता है या फिर क्या प्रॉब्लम कुछ आता है या नहीं। सिंपली यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारे यहाँ पे कंटिन्यू हो जा रहा है, यानी वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए यानी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा अगर आप लोग यहाँ तक देख लिया। तो आई होप आप लोगों का बन के तैयार हो गया हो। एंड गाइस, आप लोग यहाँ पे लॉगिन करके देखो, आप बना के देखो और आप लोग मेरे को कमेंट करो कि आपका बना है कि नहीं। यहाँ पे मैं लॉगिन करके आप लोग को सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि कितना इंटरनेट स्पीड चलेगा सारा कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।